यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं जिनका वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। हाँ दीदी, क्या परेशानी है? रूम में धुआं भर गया, कई जगह इलाज किया, कुछ सफलता नहीं मिली। कहाँ कहाँ इलाज किया था आपने? हार्डिया को दिखाओ। ओपी अग्रवाल साहब चौधरी साहब मद्रास में कौन सा हॉस्पिटल? रोशनी अपने को कम हुई थी है ना, वहाँ से आने के बाद? हाँ। भी वहाँ कितने महीने इलाज कराया आपने? 6 महीने करीब इलाज का हो गया। इतनी साफ हुई थी क्या? नहीं, दिखती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो ऐसे घूमता था काला काला, वो बंद नहीं हो रहा था। फिर आपको चेहरे दिखना शुरू नहीं हुए थे, नहीं पा रहे थे व्यक्ति को? बताइए क्या दिख रहा है आपको? बहुत धुंधले में ये दिखता है। अब जो भी रोशनी करेगी वो यहाँ के इलाज से, सीधी आँख से एक अक्षर दिख रहा है, दूसरी आँख से सिर्फ आप 1 मीटर से उंगली गिन पा रहे हैं। घर अलग के इलाज कराइएगा, आचार्य श्री के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। जय जिनी। आँखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं, असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। जब उस दिन आपको क्या दिख रहा था फर्स्ट लेकर? ये भी धुंधला था। ये भी धुंधला था है ना? आज कितने दिन हो गए आपको? 5 दिन आए। 5 दिन हुए। चलिए दीदी, बधाई हो। पहले से आपकी राइट आंख में 3 गुना रोशनी हो गई है। आपको एक अक्षर भी धुंधला दिखता था, आप तीसरी लाइन के अक्षर आ रहे हैं, और दूसरी आंख में 1 मीटर सिर्फ नजर थी, उससे आप 6 मीटर तक देख पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है। बस मुझे ये महसूस हुआ कि मैं बहुत जगह घूमी, लेकिन जितने आपके यहाँ बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, और ज्योति दिनों दिन बढ़ रही है, और उससे और मुझे और क्या चाहिए। आंखों की रोशनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना? पहले देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय, आई रीडेवलपमेंट सेंटर। सीधी आंख से आपको कितने अक्षर दिखते थे? एक पढ़ा था आपने है ना, वो भी धुंधला दिख रहा था। आज आपने कितनी लाइन पढ़ी है? छठी लाइन। बधाई हो दीदी, आपकी रोशनी आज 6 लाइन आ रही है। और ईश्वर डॉक्टर जैन से जो मुझे फायदा मिला, आराम मिला, वो फायदा चन्नी से भी बढ़कर लगा। उनके लिए गिफ्ट के रूप में मैंने कुछ काव्य बनाई हूँ, उन्हें सुनाती हूँ। तो इसलिए बनाई हूँ कि सभी लोग इसका फायदा ले सके। अमावस्या को पूर्णिमा बनाता है डॉक्टर ऋषभ जैन। उज्जैन के डॉक्टर साहब ऋषभ जैन जो है वो अमावस्या को पूर्णिमा बनाते हैं। हीरे की कीमत करोड़ों की हो सकती है, पर ध्यान रहे आंखों की ज्योति के अभाव में हीरे की चमक अमावस्या की काली रात सी है। अगर अमावस्या को पूर्णिमा बनाना है यानी आंखों की खत्म रोशनी को पुनः बढ़ाना है, तो आज ही मिलिएगा उज्जैन के डॉक्टर ऋषभ जैन से। ये सूर्यास्त को दिखाते हैं क्या करके, अमावस्या को पूर्णिमा सा बनाकर दिखाते हैं। गारंटी मेरी है और भाग्य तो तुम्हारा है। आज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने पीड़ा उठाया, हम भी यही चाहते हैं। स्वर्णा जी, एक रोगी देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में।